मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव संख्याओं की जोड़ और घटा से संबंधित प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दशमलव संख्याओं की जोड़ घटा, आगे बहुत काम आने वाला है। और किस प्रकार के हमारे पास प्रश्न होंगे कि हम जोड़ घटा कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से कि हमें 2.37 में जोड़ना है 15.2, उसमें भी जोड़ना है 1.3002। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आती हैं वो सारी अकेली बोली जाती हैं। जैसे हम इसको नहीं बोल सकते कि 21.75, इसको हम बोलेंगे 21.75। दशमलव के बाद वाला पहला अंक दशांश कहलाता है, मतलब दसवां भाग, दूसरा सौवां, तीसरा हजारवां, फिर 10,000वां, तो अलग अलग अंक हमारे द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद वाला प्रत्येक अंक अलग अलग ही बोला जाएगा। जैसे ये है 13.93, इसको हम बोलेंगे। तो इसी प्रकार ये 1.3002 है। अब दशमलव संख्याओं की जोड़ करने के लिए ये बात गांठ बांध लें कि हमें दशमलव को ध्यान में रखना है। संख्याएं जो भी हो दशमलव को ध्यान में रखें। जैसे 2.37 है हमारे पास, पहली संख्या ऐसे कैसे लिख दी, दूसरी संख्या में पहले दशमलव की सीध में दशमलव लिखना है। पीछे हमारे पास 2 है, आगे है 15 है, एक अंक की सीध में एक अंक ही लेना है, बाकी जो बच जाए तो उनको बचे रहने देना है। उसके बाद अगली फिर संख्या है दशमलव, आगे क्या है 1, पीछे क्या है 3002, एक अंक की सीध में एक अंक हमें लेना है। अब जोड़ हमें इन तीनों संख्याओं का करना है। अब पीछे संख्याएं कवर करने पूरी करने के लिए हम जीरो लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो पीछे से एक अंक की सीध में एक अंक आ गया है। ठीक है, ये आ गया 2, यहां से 0, यहां से 7, 3 और 3 6 और 2 8, यहां दशमलव है तो दशमलव ही रहेगा, 5 और 2 7 1 8, ये 1, हमारे पास क्या हो गया 18.8702। ठीक है, इन तीनों का जोड़ हमारे पास ये आ गया है। अब इसको भी देख लेते हैं, यहां पे हमारे पास पहले क्या है 5, अब आगे भी दशमलव, 5 में तो दशमलव ही नहीं है। ये बात देखें कि जिस संख्या में दशमलव नहीं है उस संख्या के पीछे दशमलव होता है। हम 5 को लिख सकते हैं 5.0, शून्य दशमलव के बाद शून्य यदि आते जाते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है, आगे वाली जो संख्या है हमारी इकाई वही रहती है। ठीक है ना, यहां पे देखो 21.75 है, ये दशांश है, ये सौवां है, लेकिन दशमलव से पहले इकाई दहाई वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब अगला दशमलव, दशमलव की सीध में आगे क्या है 0, पीछे क्या है 0 0 3, ये फिर दशमलव सीध में आगे क्या है 21 है 1 2 और पीछे है 7 5। अब पूरा करने के लिए सबको हम क्या कर देंगे 0, और यहां से जोड़ निकालें, यह आ गया 3, यह आ गया 5, यह आ गया 7, यह आ गया दशमलव, 5 से 6 और 2 26.753, इसका उत्तर आ गया है। ठीक है, घटाओं में भी हमें ऐसे ही करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले तो हम 8.07 पहली संख्या लिख लेंगे, उसके बाद दशमलव सीध में लेके आएंगे, और यहां पे 5, यहां पे 2, ठीक है ना, वही आ गया ना, पीछे कवर करने के लिए 0 और घटाएंगे। यदि घटा उसी प्रकार से है जिस प्रकार हम घटा करते हैं, कैसे करते हैं देखें, 7 में से 0 गया 7, अब यहां 0 में से 2 नहीं घटेगा, 0 इससे हसल ले लेगा, बीच में दशमलव आ रहा है कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, उसको भूल जाना है। तो यहां 10 हो गया, यहां हमारे पास 7 हो गया, अब 10 में से 2 गए 8, दशमलव जहां आएगा वहीं आएगा, और 7 में से 5 गए 2, तो इसका उत्तर हमारे पास क्या हो गया 2.87। ठीक है, एक प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है जिसके अंदर देखो 13.93 घटा 8 जमा 0.03 घटा 1.2, अर्थात जोड़ भी देर का और घटा भी देर का। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जोड़ जोड़ वाली संख्याओं को देख लेते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं, कोई निशान नहीं होता, वो जोड़ का होता है। तो ये जोड़ वाली संख्या है, ये भी जोड़ वाली संख्या, ध्यान से देखें, इन दोनों को पहले अलग से जोड़ लें, 13.93 और 0.03, दशमलव सीध में आ गया ना 1, ये आ गया 6.93, एक क्या आ गया 13.96 जोड़ पाया। अब जो घटा वाले हैं इनको भी आपस में जोड़ लेते हैं, घटा का हमारे पास 8 है, 8 के बाद दशमलव आएगा,
और फिर दशमलव लेके 1.20 पूरी करें, 2.9। घटा वालों को भी आपस में ही जोड़ना है, दोनों घटा के है ना, और जोड़ वालों को भी जोड़ना है अलग से। अब ये घटा के कितने हो गए हमारे पास, 9.2 हो गए हैं। अब घटा करनी है हमें किसमें से, 13.96 में से 9.2, 13.96 में से दशमलव सीध में लगाएं 9 और पीछे 2 कवर कर दें, घटाएं 6, 7। अब 13 में से 9 गए, हमारे पास क्या आ गया 4, तो इसका उत्तर 4.76 हमारे पास आ गया है। तो दशमलव की जोड़ और घटा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास ये प्रश्न थे। इसमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि दशमलव एक सीध में रखनी है, आगे पीछे यदि हमें अंक पूरे करने हैं तो 0 से हम उसको पूरा करने हैं। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।